सौरभ उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती हैं, पर आज तो 1 घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आई। नेहा ने अपने पति सौरभ से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो, सौरभ ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे ना हो, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है, अभी तक काम वाली भी नहीं आई। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है, हद है लापरवाही की, नेहा खींच कर बोली। तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। सौरभ, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता, जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल, कहते हुए नेहा अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है शारदा जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से शारदा जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। सौरभ उनका इकलौता बेटा और नेहा उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वंश उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल जाता था, उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी शारदा जी के कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी जो पोते वंश की भी देखभाल करती थी, पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सही से काम नहीं करती है, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। नेहा तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे सौरभ के मुंह से प्यार के दो बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी, पर एक दिन तो नेहा को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, वंश की भी चिंता नहीं रहती, सौरभ की माँ ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ लेकर आए थे कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों ही बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है और वंश की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है, वरना इन मेड के नखरे तो उफ़ तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला, इसके आगे तो शारदा जी सुन न सकी, असहनीय पीड़ा हुई उन्हें, शुभ्ध हो गया था उनका मन ये सोचकर कि जिसे वो अपना घर बेटा बहू समझ रही थी उनके लिए उनका कोई महत्व ही ना था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी, बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर नेहा की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना नेहा को आभास कराए कि वो उनकी बात सुन चुकी हैं अपने काम में लग गई थी। शारदा जी के पति सुरेंद्र जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे, उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था, खुद की कोई जमीन जायदाद नहीं थी, एक दो कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। सौरभ उनकी इकलौती संतान, शादी के 11 सालों के बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों सौरभ की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे, अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और सौरभ भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था, स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया, पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी, कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। सौरभ ने फोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। शारदा जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद सौरभ आया 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे, अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे, लेकिन सौरभ की खुशी के लिए वो दोनों मान गए, ना मानने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि सौरभ ने अपना फैसला सुना दिया था।
अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? शारदा जी ने सौरभ से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ नेहा के पिता ही शादी का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना ना हुआ, दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सौरभ हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे, बस कभी कभी फ़ोन से ही बात होती थी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे, पर पति की मृत्युपरांत सौरभ गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी शारदा जी अपने पोते वंश को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से एक घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से नेहा खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी शारदा जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितना परेशान थे, सौरभ ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, शारदा जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दी आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, सौरभ ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ, शारदा जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं, मगर कहाँ और क्यों? सौरभ और नेहा एक साथ बोल उठे। शारदा जी के जाने की बात सुनकर नेहा और सौरभ दोनों ही चौंक गए थे। नेहा के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर और वंश को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से शारदा जी आई हैं, तब से तो वो घर में एक तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और वंश की देखभाल सब शारदा जी ही करती थी, और वे दोनों निश्चिंत थे, और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है, सौरभ ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे रहने और खाने पीने सब की व्यवस्था हो गई है। क्या, कहाँ रहेंगी आप? सौरभ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता, शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं, सौरभ गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? नेहा भी सौरभ के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। नेहा की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रहूँगी, और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी, उतने ही घंटे काम करना होगा। शारदा जी की बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया था, वो एक भी शब्द न बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, शारदा जी सौरभ और नेहा की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गईं। सौरभ, नेहा अवाक खड़े देखते रह गए थे।